तमिलनाडु चेन्नई में भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में होगी बैठक, प्रियंका गांधी भी हो सकती है शामिल। राजस्थान में भीषण हादसा, बस और ट्रॉली की आमने सामने टक्कर, 5 लोग जलकर मौत। दुनिया भर के बुनकरों में कबायली जिले के बुनकरों का नाम अब मार्केटिंग में मिलेगा फायदा। कुल्लू से चंडीगढ़ और शिमला के लिए एम्बुलेंस महंगी, हर किलोमीटर के 9 नहीं अब 12 रुपए देने होंगे। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। राज्य स्थापना दिवस पर जहां मसूरी में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो वहीं नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा निशुल्क एम्बुलेंस की मसूरी वासियों को सौगात दी गई। गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से एम्बुलेंस भेंट की गई है। साथ ही गूंज संस्था द्वारा नगर पालिका परिषद के सभासदों को सम्मानित किया गया है। वहीं शहीद स्थल झूलाघर पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्य आंदोलन में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जमकर ठुमके लगाए। वहीं मंच पर मौजूद लोक कलाकारों और स्थानीय लोगों के साथ गणेश जोशी काफी देर तक थिरकते नजर आए। ये तोहफा मसूरी शहरवासियों को पालिका द्वारा दी गई, जिसमें ये एम्बुलेंस सिविल हॉस्पिटल को डोनेट की गई, जिसमें संपूर्ण जिम्मेदारी सिविल अस्पताल की इसमें होगी और साथ ही जो इसका तेल का खर्च होगा वो ही पब्लिक से लिया जाएगा। वो तेल का खर्च सिविल हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होगी, इसके अलावा जो मेंटेनेंस होगी इसकी वो पालिका। प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 21वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा राज्य 21 साल का जवान हो गया है। 21 साल के अंदर हमारे प्रदेश ने बहुत तरक्की की है और अभी हमारे युवा मुख्यमंत्री बिश्व सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। समाज के हर वर्ग का ख्याल किया जा रहा है, चाहे आशा। हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले डॉक्टर धन सिंह रावत का एक और बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि अब पौड़ी अस्पताल में डायबिटीज के रोगियों को निशुल्क इंसुलिन की इंजेक्शन लगाए जाएंगे। ये बात स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक के दौरान कही। बता दें कि प्रदेश के माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उच्च शिक्षा सहकारिता प्रोटोकॉल आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक की। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन से वंचित रह गए व्यक्तियों को घर घर जाकर टीकाकरण करवाना सुनिश्चित करें, साथ ही जिसमें 16 दिसंबर 2021 तक दूसरी डोज का लक्ष्य भी पूर्ण हो सकेगा। तो निशुल्क इंसुलिन देने की बात कही है, पौड़ी गढ़वाल से ये खबर सामने आई है, जहां डायबिटीज के रोगियों को मुफ्त इंसुलिन देने की बात कही गई है। साथ ही ये लक्ष्य भी रखा गया है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए घर घर जाने के निर्देश दिए हैं, ताकि घर घर जाकर इस लक्ष्य को पूरा कर सके। खासतौर से जिन्हें दूसरी डोज नहीं लगी है उन्हें खासतौर से दूसरी डोज भी लगाने में आसानी हो और 16 दिसंबर 2021 तक दूसरी डोज का लक्ष्य पूरा हो सके। सितारगंज राज्य स्थापना दिवस के पावन पर्व पर सितारगंज के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पहुंचकर पूर्व सैनिकों उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। हरीश रावत सितारगंज के रामलीला मैदान में स्थित कार्यक्रम में पहुंचे तो कार्यक्रम स्थल में अपने नेता का इंतजार कर रही जनता के बीच में पहुंचकर जनता से मुलाकात भी की। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सैनिक और राज्य आंदोलनकारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। दिवस की बहुत हम इस राज्य को
विकास के साथ आम दूरदराज के गांव के लोगों का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, नौजवानों का, महिलाओं का, जुड़ाव बन सके उसके लिए नीति और कानून। देवेंद्र प्रधान के विधानसभा ज्वालापुर के गांव मानुबास पहुंचने पर सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं के साथ और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि देवेंद्र प्रधान के काफिले का मानुबास गांव में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में जो उत्साह देखा उसे लेकर वो काफी उत्साहित भी नजर आए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूती देने और साथ ही पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करने को कहा। तो होने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए सभी कार्यकर्ता तक तैयारी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में गांव-गांव से लोग यहां पर आएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्वालापुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जब से उन्होंने कुर्सी संभाली है तो कांग्रेस की हालत क्या है इस प्रदेश के अंदर आप देख ही रहे हैं। कांग्रेस का तो कोई नाम लेने वाला भी आदमी जो है इस प्रदेश में ढंग का नहीं बचा, उनके पास तो कोई लीडर भी नहीं है। माननीय हरीश रावत जी हैं, वो खुद ही कांग्रेस का नाश करने पे तुले हैं, तो हम लोगों को तो उस दिशा में जाना ही नहीं। हमारी जो दिशा है वो तो जो है लालकुआ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर एकत्र होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर पांडे ने 21 साल उत्तराखंड बदहाल का नारा देते हुए बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस की सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों की सरकारें सत्ता में रही हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने उत्तराखंड का विकास नहीं किया। राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों की मांगों के अनुरूप अभी तक राज्य नहीं बना है। पहाड़ में विकास की अपार संभावनाएं हैं, मगर दोनों ही सरकारों ने इसकी अनदेखी की है। साथ ने दिया था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। आप देखिए हमारी राजधानी का कोई डिसीजन नहीं हुआ है और हमारे कोई प्लान रोकने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनी है और हमारी भूमि संबंधी कानून कोई कुछ नहीं बना पड़ा है और बिजली पानी भी कहीं पहाड़ों में अभी तक भी नहीं है और प्लान भी नहीं रुक पा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत बहुत खराब हो रही। हमारे शहीदों ने सोचा था कि हमारा अलग से प्रदेश बनेगा तो हम प्रदेश में जो है रोजगार भी मिलेगा और अपने अधिकार भी प्राप्त करेंगे और हमारा विकास भी होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा और विश्व में हमारे देश को जो है आगे अग्रणी उसमें लाएंगे। ये सपना हमारे लोगों ने देखा था क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं बहुत हैं, परंतु दोनों सरकारों ने अभी तक ये इनमें किसी को ने ध्यान नहीं दिया है और अभी तक न हमारी राजधानी का डिसीजन हुआ है और पानी बिजली सड़क। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर थलीसैण में हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया। विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं विभिन्न कार्यक्रमों में आयोजित किए गए कार्यक्रम में हिस्सा लिया और NSS के छात्र छात्राएं संपूर्ण बाजार में प्रभात फेरी निकालकर लोगों को नारों के माध्यम से स्थापना दिवस से अवगत कराया, जिसके बाद विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं ने चित्रकला निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिता में भी प्रतिभाग किया। इसमें प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद सुंदरियालाल ने पुरस्कृत किया। आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष में हम लोगों ने छात्रों की रैली निकाली। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय स्वयं सेवा की हमारी रैली निकली, उसमें लड़कों ने मार्च पास्ट करते हुए पूरे बाजार में रैली निकाली और राज्य के प्रति लोगों के रुझान के बारे में और उन्हें रूबरू करवाने के लिए बहुत सारी बातें कही। बाद में विद्यालय में बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम किए गए जिसमें बच्चों के द्वारा गायन और नृत्य। राजा जी टाइगर रिजर्व पार्क में लगे अनाउंसमेंट कर्मचारियों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। अपने उत्पीड़न से परेशान होकर कर्मचारियों ने अपने ही विभाग के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। धरना प्रदर्शन करते हुए विभाग के खिलाफ नारेबाजी का प्रदर्शन किया, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपने आप को
समायोजित करने और कई महीनों से जमा नहीं हुए पीएफ फंड को जमा करने की मांग की है। कर्मचारियों का साफ साफ कहना है कि यदि जल्द ही उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनका धरना प्रदर्शन विभाग के खिलाफ और उग्र किया जाएगा, जिसमें जिम्मेदारी विभाग के निर्देशक होगी और राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग को सुनने और क्षेत्रीय पंचायत सदस्य आरती गौड़ पहुंची, जहां उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों से लगभग 1.5 घंटे तक वार्ता की और कर्मचारियों की समस्या को भी सुना। मेरा नाम हेमंत काला है और मैं राजाजी टाइगर रिजोर्ट में आउटसोर्स कर्मचारी के पद पे कार्यरत हूं। और राजाजी टाइगर रिजोर्ट में जो इस समय पीएफ का घोटाला चल रहा है, लगभग 80 लाख लगभग चल रहा है, जिसमें चेक बाउंस भी हो रहे हैं, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, और इतने 230 लोगों के साथ में कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक वो किया, धरना प्रदर्शन किया, कार्य बहिष्कार किया। और अगर ये कार्य बहिष्कार इस तरीके से का कोई समाधान नहीं निकलेगा, आज हमारे साथ में हमारे माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य जी आरती गौड़ जी आए हुए थे, उनसे भी हमने निवेदन किया था, तो उनका सकारात्मक सहयोग, अगर ये आगे भी जाए तो हमारा कार्य बहिष्कार आगे भी जरूर, ये कार्य बहिष्कार खत्म नहीं होगा और हम एक उपनल में जो हमारी एक मांग है जब तक वो पूर्ण नहीं होगी तब तक हमारे कार्य बहिष्कार। 21वां राज्य स्थापना दिवस आज जनपद में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जनपद मुख्यालय रामलीला मैदान में आयोजित समारोह में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग एवं प्रभारी मंत्री जनपद सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले ध्वजारोहण किया, फिर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे राज्य आंदोलनकारियों को प्रभारी मंत्री ने अंग वस्त्र उड़ाकर और फूल मालाओं से सम्मानित किया। इसके बाद सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित नए इरादे युवा सरकार विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया तथा जिला सूचना कार्यालय पौड़ी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव पर मोटिवेशन गीत लॉन्च किया गया। वहीं इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के तहत आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई वेबसाइट भी लॉन्च की गई। हमें लॉ इंस्टीट्यूट मिली, हमें तमाम तरह IIM काशीपुर मिला, बहुत बड़ी बड़ी संस्थान हमें मिले, और साथ साथ ये ऑल वेदर रोड से लेकर तमाम तरह की रेलवे, कभी सपना छोटा नहीं था किसी ने कि रेलवे जाएगी। तो आज जिस तरह से रेलवे नेटवर्क और कनेक्टिविटी का एक नेटवर्क पूरे प्रदेश में बिछा, साथ साथ हम लोग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन में पहुँचे, अब उसके 15% इलेक्ट्रीफाइड गाँव थे हमारे पास। तो राज्य बनने के बाद बहुत कुछ मिला, लेकिन अभी बहुत लंबा जाना, क्योंकि बेसिक नीड्स नहीं थी, अभी जो शुरुआती आवश्यकताओं को पूरा करने में 21 साल गया, अब राज्य जवान हुआ है और वो जवान में मुख्यमंत्री भी युवा है, तो युवा राज्य और युवा मुख्यमंत्री के साथ निश्चित रूप से अनुभवी लोगों का जो उनकी अनुभव है उसका फायदा राज्य को मिलेगा। विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ता में मौजूद भाजपा ने बूथ स्तर पर चुनावी कैंपिंग शुरू कर दी है। शक्ति केंद्र मीरानगर के सैकड़ों युवा, बुजुर्ग और महिलाओं ने मिलकर मंडल महामंत्री सुंदरी कड़वाल के नेतृत्व में घर घर जाकर कैंपिंग की। वहीं अभियान के दौरान स्थानीय विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ने हर हर मोदी घर घर मोदी कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए घर घर जाकर आगामी चुनाव को देखते हुए प्रचार प्रसार किया। कैंपेनिंग के दौरान लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष को समस्याओं से भी अवगत कराया। देखिए, जिस प्रकार से पार्टी ने निर्णय लिया कि हर घर भाजपा, घर घर भाजपा, उस अभियान के आज हमने यहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र में मीरानगर के इस बूथ पे शुरुआत की है। अब आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में एक बूथ के अंदर है हमारे कार्यकर्ता, चाहे वो महिला हों, पुरुष हों या अन्य हमारे तमाम लोग आज उपस्थित हैं, और मैं स्वयं इसमें घर घर जा रहा हूँ, दुकान दुकान जा रहा हूँ, और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो मंत्र हमारे माननीय मोदी जी ने दिया, माननीय धामी जी ने दिया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, उस मंत्र के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और जो रिस्पांस मैं जनता का देख रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि जनता ने स्वीकार कर लिया है कि आने वाले टाइम पे समय फिर भाजपा का है। और चूंकि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने, अभी आपको पता है कि 5 नवंबर को केदारनाथ में कहा था कि ये जो दशक होगा ये 100% हमारे उत्तराखंड का होगा और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, इसलिए सभी को मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। चूँकि आज छठ पूजा भी है, छठ पूजा के इस पावन अवसर पर हमने कार्यक्रम शुरू किया है।
सितारगंज में राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी फकीर चंद्र कन्याल ने रामलीला ग्राउंड में स्थापना दिवस को एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के चुनावी संचालन समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी पहुंचे थे और कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के उद्देश्य से डांस प्रतियोगिता भी रखी गई थी, लेकिन कार्यक्रम भीड़ एकत्र ना होने की वजह से कार्यक्रम पूरी तरह फ्लॉप रहा। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी कार्यक्रम देखकर खुशी नहीं हुई। इसका अंदाजा तब हुआ जब वो मीडिया से बात करते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गए। आज उसका स्थापना दिवस मनाया गया और पूरी क्षेत्रीय जनता ने भारी जनमत से आज ये साबित कर दिया है कि पूरा सितारगंज कांग्रेस के साथ है। पूरे मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। उनका जो छत्र छाया अगर सितारगंज में रहेगी, सितारगंज रात दिन तरक्की करेगा और एक इतिहास रच देगा। तो मुख्यमंत्री दौड़ी हूँ, मैं तो पैसे कहाँ से लाऊंगा? ये तो कलाकारों को सुनने वाले लोग आते हैं, जो जा रहे थे वो कह रहे थे कि हमारे बच्चे स्कूल से आ गए हैं, हमको सुबह जल्दी ला गए थे इसलिए हमको जाना पड़ेगा, उन्होंने ये कहा था। शुरुआत जाहिर से जो राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस ने ऋषिकेश में जन जागरण पदयात्रा का आयोजन किया, जिस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शिरकत की। पदयात्रा रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन से शुरू होकर मुख्य बाजारों में घूमते हुए चंद्रशेखर नगर पहुंची। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जमकर स्वागत किया, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत से जीत मिलेगी और आगामी 5 साल कांग्रेस उत्तराखंड का चहुमुखी विकास करेगी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने इशारों ही इशारों में भाजपा पर राज्य के साथ छलावा करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की उपलब्धियां मीडिया को गिनवाई। मैं बहुत ही ईमानदारी से इस बात को कहना चाहता हूं कि पृथक राज्य बनने के बाद हमने बहुत क्षेत्रों में बहुत विकास किया। हमने आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में, जिसको कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कहते हैं, हमने बहुत विकास किया। हमारे साथ जो अन्य राज्य अलग हुए थे पृथक रूप में, जिनका उसी समय निर्माण हुआ था, वो आज हमसे पीछे हैं। लेकिन ये सत्य है और इसको स्वीकार करना चाहिए कि हमारे शहीदों के जो सपने थे और राज्य आंदोलन के पीछे की जो भावना थी, वो भावना ये थी कि हम पलायन रोक सकें। 9 नवंबर की तारीख इतिहास में उत्तराखंड के स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज है। पृथक उत्तराखंड की मांग को लेकर कई वर्षों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 7वें राज्य के रूप में भारत गणराज्य में शामिल किया गया था। और इसी कड़ी में बीते दिन पूरे उत्तराखंड में ये दिन त्योहार की तरह मनाया गया। जहां एक तरफ सरकार ने इस दिन को जश्न के रूप में मनाया, वहीं विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की। बता दें कि वर्ष 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो जश्न में डूबी दिखी देवभूमि। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लाल कुआ, पौड़ी, मसूरी, सितारगंज, ऋषिकेश, हरिद्वार, हर तरफ जश्न का माहौल देखा गया। 21 साल पूरे हो चुके हैं और 21 साल का जश्न भव्य रूप में उत्तराखंड में देखने को मिला। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।